टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। सभी 8 टीमों की नजर सेमीफाइनल बर्थ पर कब्जा जमाने की है। इसी बीच आज ग्रुप 1 से 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना बांग्लादेश से होना है। कागजों पर भले ही दोनों टीम का कोई मेल नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। बांग्लादेश की टीम का हालिया फॉर्म शानदार रहा है और अपने दिन पर ये टीम किसी भी बड़ी टीम को हराने का मादा रखती है। क्या रहेगा पिच और मौसम का हाल, आइए जानते हैं। ये मैच वेस्टइंडीज के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में अभी तक इस ग्राउंड पर 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 3 मुकाबलों में रन चेस करने वाली टीम की जीत हुई है, जबकि 2 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की जीत हुई है। वर्ल्ड कप में हुए अभी तक सभी मुकाबलों में गेंदबाजों का बोलबाला देखा गया है। ऐसे में टॉस जीतकर टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है। अगर मौसम की बात की जाए तो मैदान पर हल्के बादल हो सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना ना के बराबर है। आइए जानते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या हैं। अगर दोनों टीमों के टी20 क्रिकेट में हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो टी20 क्रिकेट में अब तक ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच 10 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 6 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जबकि 4 मुकाबलों में बांग्लादेश को जीत मिली है। अब बात करते हैं दोनों टीमों के अब तक के सफर की। इस वर्ल्ड कप की शुरुआत में जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम को ग्रुप बी में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नामीबिया और ओमान के साथ रखा गया था, ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले ही मैच में ओमान को 39 रन से हरा दिया। उसके बाद इस टीम ने इंग्लैंड को 36 रन से हराया। अपने तीसरे ग्रुप मैच में भी ऑस्ट्रेलिया का दमदार प्रदर्शन जारी रहा और नामीबिया को 9 विकेट से हराया, जबकि अपने आखिरी ग्रुप मैच में इस टीम ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रही थी। अब बात करते हैं बांग्लादेश के अब तक के सफर के बारे में। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में ग्रुप डी में रखा गया था, जहां उनके साथ इस ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, श्रीलंका और नेपाल की टीमें थीं। बांग्लादेश ने अपने पहले ही मैच में उनके कट्टर राइवल श्रीलंका को एक रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया। अपने दूसरे ग्रुप मैच में बांग्लादेश को दक्षिण अफ्रीका से एक क्लोज मैच में 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस टीम ने अपने तीसरे मुकाबले में नीदरलैंड को 25 रन से हराया, जबकि अपने आखिरी ग्रुप मैच में नेपाल को 21 रन से हराकर टीम ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब बात करते हैं दोनों टीमों के संभावित प्लेइंग 11 की, तो जानते हैं बांग्लादेश के खिलाफ क्या हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11। इसमें ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टोनिस, टीम डेविड, मैथ्यू वेट, एस्टन एंगर, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस और एडम जंपर शामिल हो सकते हैं। वही अब जानते हैं बांग्लादेश का संभावित प्लेइंग 11, जिसमें तंजीद हसन, लिंटन दास, नजमुल हुसैन शांतो, शाकिब अल हसन, तौहीद हृदय, महमूदुल्ला जाकिर अली, तंजीम शकीब, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान शामिल हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारी आज की क्रिकेट केसरी की फैंटेसी 11 क्या है। इस टीम में होंगे लिंटन दास, ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, शाकिब अल हसन, मार्कस टोनिस, महमूदुल्ला, एडम जंपा, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम शकीब और नाथन एलिस शामिल हैं। वहीं इस टीम के कैप्टन होंगे मार्कस टोनिस, जबकि वाइस कैप्टन होंगे नाथन एलिस। अगर आप भी फैंटेसी खेलना पसंद करते हैं तो आप इस टीम को बनाकर ढेरों सारे इनाम जीत सकते हैं। अगर आपने भी अपनी कोई फैंटेसी टीम बनाई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट जरूर भेजें। इसी तरह की क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।